कल हम करेंगे एक्सरसाइज 15C। 15C में करने से पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 15C बेस्ड है ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। साइड ऑफ ट्राइंगल पे बेस कैसे हैं, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्राइंगल की, दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा नहीं है तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, ठीक है। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वी कांट मेक एनी ट्राइंगल। क्लियर? कोई डाउट किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हूज साइड्स आर गिवन बिलो। इसमें तीनों साइड दी गई है और हमें इन्हें साइड्स को देखकर बताना है कि वी कैन मेक द ट्राइंगल और नॉट। तीन साइड दी है, तीनों 1 सेंटीमीटर की है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तीनों साइड 1 1 सेंटीमीटर की है। ट्राइंगल में तीन साइड इक्वल हो सकती है, हो सकती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। या सीधा सीधा देखो, 1 + 1 2, दो का सम तीसरी से ज्यादा है, यानी कि हम बना सकते हैं, इसमें लिखेंगे यस, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा 2 3 4 सेम एज, क्या है 2 3 4, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, 2 + 3 5, 4 से ज्यादा है, हाँ तुम बना सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 7 8 और 15, 7 और 8, और थर्ड साइड क्या है हमारी 15, तो ये तो इक्वल हो रही है तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। ये क्या होगी, ये किस कंडीशन में होगी, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, वे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है। क्लियर? कोई डाउट? चलो, ये तो हमारा थर्ड, तो यहां पर हम ट्राइंगल नहीं बना सकते क्योंकि वे तीनों क्या है, एक ही साइड के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर है तीनों। इसके बाद 14 3.4 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर, इन्हें भी देख लेते हैं। 3.4, 2.1 और 5.3, दो का सम करो, 3 और 2 5, 5.5 हो जाता है। ये कितना है, 5.3 है, तो ये 5.5 5.3 से ज्यादा है तो ट्राइंगल बना सकते हैं, यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 6 7 और 14, 6 + 7 13, 6 + 7 क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, और सम क्या है, थर्ड साइड है हमारी 14, तो सम ज्यादा है या कम है, कम है, तो ट्राइंगल बना सकते हैं नहीं बना सकते, पक्का बना ही नहीं सकते। सम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ना कम ना इक्वल, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? पता है कैसा ट्राइंगल बनेगा, 14 की हो गई, 6 की हो गई, 5 की ये हो गई, इस तरह से बन जाएगा। इसे कहां मिलाऊं अब, जब तक ये दोनों एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 7 और 14 में, 7 और 14 में, नो। क्लियर? कोई डाउट? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो ध्यान से देखना भाई। ये कह रहा है टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये कह रहा है दो साइड है, एक है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या है, 9 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, थर्ड साइड कितनी होनी चाहिए, इन दोनों के सम से ज्यादा, इन दोनों को सम करो, 5 + 9 क्या जाएगा, 14। तो क्या लिखेंगे, थर्ड साइड ग्रेटर देन
40, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने, थर्ड साइड क्या होनी चाहिए 14 से बड़ी होनी चाहिए, क्लियर, कोई डाउट? चलो ये था सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में इसने कुछ फिगर दी है, एक फिगर दी हुई है हमें, ए बी सी और यहां पर एक पॉइंट है पी, और इनको इसने ऐसे मिला दिया। पहले तो एक ट्राइंगल था, अब ये कितने ट्राइंगल बन गए, चार ट्राइंगल हो गए इसमें, कौन सा, ए पी सी, ए पी बी और बी पी सी, तीन तो ये हो गए और एक ये पूरा हो गया ए बी सी। अब इसने क्या कहा, ए पी प्लस बी बी, क्या कह रहा है, पी ए प्लस पी बी ए बी, देखो ध्यान से, पी ए प्लस पी बी ए बी से ज्यादा होगा कम होगा, इस वाले ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा, ज्यादा, तो क्या आएगा यहां पर साइन, ग्रेटर देन, क्लियर। इसके बाद क्या है, पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी बी सी से, देखना पी बी कौन सी है, पी बी प्लस पी सी, इन दोनों का सम इससे क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा ऑब्वियसली। इसके बाद थर्ड ए सी, पी ए प्लस पी सी, ए सी इन दोनों से ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, ज्यादा होगा, उधर को लगा देंगे इस बार, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, अभी अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान से देखना भाई, अच्छे मतलब थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन आ गए, ए बी सी और ये क्या है एम। ये थोड़ा साइड में हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या है, ए बी सी, ठीक है, ये आ गया एम। क्या प्रूव करना है, ये कह रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों मिला के ग्रेटर है 2 AM से, ठीक है, ये तीनों साइड ग्रेटर है किससे, 2 AM से, ये जो 2 AM है इससे, क्लियर। यानी कि ये जो AM है ये क्या है, ये छोटी है, AM छोटी किससे है, इन तीनों से, ठीक है। अब AM कौन कौन से ट्राइंगल में है, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में, ठीक है, तो AM देख लेते हैं किस किस से छोटी है, AB प्लस BM, AB प्लस BM बड़ा है किससे, AM से, AB प्लस BM किससे बड़ा है, AM से, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, AB प्लस BM बड़ा है किससे, इससे, AM से, सेम एज AC प्लस CM बड़ा है किसे, AM से, तो AC प्लस CM बड़ा है किसे, AM से, दो इक्वेशन बन गई है ना, दोनों को जोड़ देंगे, चलो जोड़ते हैं, AB प्लस AC प्लस BM प्लस CM बड़ा होगा किसे, इन दोनों से, AM प्लस AM 2 AM जोड़ दिया क्योंकि हमने इन्हें, तो बी एम प्लस सी एम, देखना बी एम प्लस सी एम क्या होगा, बी सी, बी एम प्लस सी एम क्या है, बी सी है, तो लिख लेते हैं यहां पर, बी एम प्लस सी एम इक्वल किसके हैं, बी सी के, तो इन दोनों की जगह पर क्या करेंगे, बी सी रख, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर है किससे, 2 AM से,
क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 बिल्कुल सेम है ऐसा ही, उसमें ए एम की जगह पर ए पी दी गई है, बिल्कुल क्वेश्चन भी यही है, सोल्व भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है 6 में, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमें, इस तरह से ए बी सी और डी। प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर है ए सी प्लस बी डी से। ध्यान से देखना भाई, ग्रेटर साइड कौन सी है, ये वाली ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये तो ग्रेटर साइड लेनी है और ये स्मॉलर साइड लेनी है। ठीक है, देखो स्मॉलर वाली कौन सी है, ए सी और बी डी, तो ए सी और बी डी को देखेंगे किस किस से स्मॉलर है। पहले ए सी बना लेता हूं मैं, बना लिया, ए सी किस से स्मॉलर है, ये प्लस ये छोटी है इनसे, ये प्लस ये इनसे भी छोटी है, तो लिख लेंगे डी ए प्लस सी डी ग्रेटर है किससे, ए सी से। क्लियर, ऐसे ही ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर है किससे, ए सी से। पहले ए सी वाले लिख लेते हैं, दोनों स्मॉलर में है ना ए सी, अब बी डी भी स्मॉलर में है तो बी डी वाले भी लिख लेते हैं। अब बी डी किस किस से स्मॉलर है, ये जो बी डी है किस किस ट्राइंगल में, एक बार इस वाले ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में, तो किस किस से स्मॉलर है, ए बी प्लस डी ए, डी ए से स्मॉलर है क्या बी डी, इस वाले में हो गया। अब ऊपर वाले में देखते हैं बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर है किससे, बी डी से, ये भी लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी ग्रेटर है किससे, बी डी से। कोई डाउट किसी को भी, नहीं सबको जोड़ दो, जोड़ते हैं, देखो सी डी भी दो बार, ए बी भी दो बार, बी सी भी दो बार और डी ए भी दो बार, सब दो दो बार है, तो क्या लिखूं, टू ए बी टू बी सी टू सी ए सॉरी टू सी डी प्लस टू डी ए ग्रेटर है किससे, ये भी दो दो बार हो गए, टू ए सी प्लस टू बी डी। ठीक है, सारे में टू टू है तो क्या करेंगे, इधर से भी टू कॉमन ले लेंगे और उधर से भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यहां पे टू आ जाएगा कॉमन, ग्रेटर है टू ए सी प्लस बी डी, इस टू से ये टू कट जाएगा, हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। देख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर है किससे, ए सी बी डी से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक ट्राइंगल है यहां पे, एक पॉइंट है डी, ठीक है, ए बी सी, यहां एक लाइन मिल गई, एक लाइन यहां से मिल रही है और एक लाइन यहां से मिल रही है, इस तरह का एक ट्राइंगल है। प्रूफ क्या करना है, शो दैट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, प्रूफ करना है ओ ए, ये ओ है, ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी, ओ ए ओ बी और ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, कौन कौन से, ओ ए ओ बी ओ सी,
तीनों मिला के क्या है? ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस सी। देखो भाई ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। हम ये देखते हैं कौन सी वाली साइड स्मॉलर है, छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी है ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है, तो सबको अलग अलग लेंगे। ए बी किससे छोटी है? ए बी देखो किस ट्राइंगल में है, ये रहा ए बी है ना। अब ए बी बड़े वाले ट्राइंगल में भी है ए बी सी में, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी है, किसमें? ए बी ओ में भी है। तो हमें कौन से चाहिए? इसके सामने, ए बी के सामने, इधर दूसरी, ए बी के दूसरी साइड कौन से है? ओ वाले हैं सारे, तो हम क्या करेंगे, ओ वाली ही साइड लेंगे। क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर है किससे? ए बी से। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें किसमें, ए बी ओ में, क्या ये प्लस ये ग्रेटर होगा किससे? ए बी से। लिख लिया, एक चीज हो गई। दूसरी साइड कौन सी हमारी? बी सी। अब बी सी देखो किससे ग्रेटर है, सॉरी बी सी किससे स्मॉलर है, बी सी किससे स्मॉलर है? ओ सी प्लस ओ बी। तो ओ सी प्लस ओ बी ग्रेटर है किससे? बी सी से। दूसरी साइड भी मिल गई। तीसरी सी ए, सी ए किससे ग्रेटर है? सी ए किस कौन कौन से ट्राइंगल में? इस वाले में है ना, सी ए का ट्राइंगल बनाओ भाई। ओ सी ए का बनाओ भाई, ओ बी और ओ डी। सी ए किस ट्राइंगल में है? ओ ए ओ सी। हमने गड़बड़ कर रखी, ये है ओ, ठीक है। ये जो सी ए है ये किससे स्मॉलर है? ओ ए और ओ सी से। ये जो बनाई ना, ये तब भी एज इट इज रहेगी। देखो कैसे, ए बी किससे स्मॉलर है? ओ ए और ओ बी से। देखो ओ ए और ओ बी से ए बी स्मॉलर है। बी सी, बी सी किससे स्मॉलर है? ओ सी और ओ बी से, ओ सी और ओ बी से, ठीक है। अब बात करते हैं ए सी, ए सी किससे स्मॉलर है? ओ ए और ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी। क्लियर, जोड़ देंगे तीनों को, तो टू ओ ए प्लस टू ओ बी प्लस टू ओ सी ग्रेटर है किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सब में टू है, टू आना था बाहर, तो टू कॉमन ले लेंगे। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर है किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। क्लियर, ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.C। कल हम करेंगे 15.15D, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।